सेकेंड में हम गाता है, सेकेंड वॉल्यूम में नोम सिन टाइम नोपो कम तोयकु अम टाइम न्योबा नोम सिन आइम नोम जो सुम नम कायम। मतलब नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज। इस वक्त हम यहाँ पे है रोटे में है, रोते जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट के एक वन नाइट विंटर एडवेंचर कैंप। तो हमारे बीच हमारे अरुणाचल प्रदेश के, खास करके हमारे गालो समाज के एक उभरता हुआ कलाकार, जो उसके लिए इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरी नहीं है, पर भी मैं बता दूं हमारे बीच आज का उभरता हुआ कलाकार एक सॉन्ग कंपोजर भी है, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है, खुद कंपोज करता है, खुद गाना भी लिखते हैं और खुद गाना गाते हैं। अभी गालो का ऐसा कोई पर्ती नहीं होगा, ऐसा कोई पिच नहीं है इसके बिना, इसका गाने के बिना जो है हम पूर्ति कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे वन एंड ओनली ईगर लोलन। तो मिस्टर ईगर लोलन, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। तो आज आप इस विंटर कैंप एडवेंचर कैंप में आए हैं, तो इसका एक्सपीरियंस कल रात हम लोग साथ में यहाँ कैंप में बैठा है, कैंप फायर किया है, पूर्ति किया है, नाच गाना हुआ है, तो इसका आप इसमें आप दो लाइन बोल दीजिएगा। अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसा कैंपिंग तो मैंने कई बार की है, लेकिन ये कैंपिंग जो एक फैमिली बेस्ड था ना, इसमें पूरा मेरा बस्ती से आया हुआ है और यहाँ में रोहतक का जो जहाँ में ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका इंसान से भी, इसका जितना भी आदमी से भी मेरा बहुत पहचान है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मौसम काफ़ी साथ दे रहा है और जितना भी यहाँ में कैंपर्स आए हैं तो सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, डांस करो तो भी मिल के और कुछ खाना पीना करो तो भी मिल के, बहुत एकदम जाने का मन नहीं कर रहा है वो ये। ओके, तो मिस्टर लोलन, आप जैसे हम मैंने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, आप हर दूसरा दिन एक गाना निकलता है, वो भी ऑलमोस्ट सुपर डुपर हिट होता है, तो जो मतलब सही में जो हो रहा है अभी जैसे सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप एक गाना निकाल देता है, तो ऐसे आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, गाना में ऐसे मेलोडी गाने वाला, मेलोडी लिखने वाला, प्यार मोहब्बत के बारे में लिखने वाला बहुत लोग लिखा है और बहुत लोग लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, खास करके गालों में तो इसका कोई कमी है नहीं। मेरा एक, आप लोग गाना का तौर से देखने से आप लोग मेरा गाना को पसंद नहीं आएगा। एक न्यूज़ पढ़ रहा है, एक लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहा है, करंट अफेयर देख रहा है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और हाँ, आपका माध्यम से मैं बताना चाहूँगा ये ऑडियंस को, मुझे मेरा फैमिली से भी और नीट एंड किट एंड कीन से भी पूछते रहता है, आप इतना क्यों बना लेता है, मतलब फैमिली को भी वक्त नहीं देता है क्या? मैं सब कुछ देता हूँ, एक्चुअली गाना बनने में मुझे समय नहीं लगता है, जो भी मेरा आँख से जो दिख जाता है। और मैं गाना कभी लिखता नहीं हूँ, म्यूजिक का टेबल में बैठता है तो जो मन में आ जाता है, एक टॉपिक पकड़ लिया, उसमें मैं गाना बना देता हूँ, इसलिए मैं कर पाता हूँ। तो आप ये गाना गाने का शौकीन कब से हुआ है? गाना का शौकीन बचपन से था। एक्चुअली गाना से मेरा मम्मी का साथ भी झगड़ा बहुत हुआ गाना का वजह से। एक्चुअली हम बड़ा बड़ा आवाज़ में, ऊंचा ऊंचा आवाज़ में गिटार बजाता था, तो बहुत मम्मी को हाई प्रेशर था, तो इरिटेटिंग होता था। लेकिन फिर इधर इधर से भागाया तो उधर भाग के गिटार बजाते बजाते इस मुकाम पे पहुँचे। और लेकिन हमको स्टडी पहले ख़त्म करना है बोल के फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग ये था, खमान था कि आप जैसे भी, तो मैंने गाना का साथ में स्टडी भी, पढ़ाई भी साथ में लेके चला। तो मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग भी हम 2014 में ग्रेजुएशन, इंजीनियर ग्रेजुएट होने के बाद ही रिकॉर्डिंग किया। ओके, तो आप हर मौका का फायदा उठाता है, मतलब सही इस्तेमाल करता है, अपना टैलेंट का खूब इस्तेमाल करता है। तो हमारे यहाँ पहले जब भी पर्ती होता था, सिर्फ हमारा काला जो हम पोका कहते हैं ना, पोका गाला पोका ही होता था। तो आप 2014 वाला मुझे कुछ याद आ रहा है आपका बात सुन के, उसमें वाइन शॉप हम लोग का यहाँ उस जमाने में 90s में बहुत कम वाइन शॉप हुआ करता था, वाइन शॉप ना का बराबर था, तो अभी हम लोग निपक पोका कहते हैं। तो शायद वो आपका पहला सुपर हिट गाना था, ये मन में कैसे आया और एक दो लाइन आप गा के सुना दीजिएगा? निपक पोका ये गाना तो एक्चुअली अभी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, रिलीज़ कर चुका है। अभी मैं उसका वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 पर काम कर रहा है। तो वॉल्यूम 1 तो ऐसा था, मैं अपना भैया लुक को जो निपक पोका देता, वॉल्यूम 1 में आपका कितना शायद मर गया लग रहा है गाना का जी वॉल्यूम 4 में हम दोनों को मरा देता है, भैया और जीजा जी लुक को ना। वॉल्यूम 1 ऐसा है, निपक पोका नो माब
असीने दोगेना, मतलब हम दारू को जो फॉरेन लिखर है उसको एक्चुअली मेरा गाना फनी है, मतलब हंसता है, मीनिंग जो मतलब एक हम उसको सोशल मैसेज देना चाहता है कि इसको भी ओवरडोज लेना खराब है ऐसा ना। और सेकंड में हम गाता है सेकंड वॉल्यूम में, न्योबा नोम सिन टाइम नोपो कम तो एकु अम्म टाइम न्योबा नोम सिन आइम नोम जो सुदुब तुखुम नम कायम, मतलब अपना जीजा जी लुक को ना, मतलब पोका छोड़ देगा हाँ, नशा होके रहता है तो उसको हम थोड़ा सा मैसेज ना, किसी ना किसी किसी का किसी ना किसी का न्योबो आसी होता है तो ना, तो हम उसको सोशल मैसेज ही, मतलब आप एक जनरल मैसेज दे रहे हैं जी जी। और आप जैसे हमारा यहाँ फेमस है आईफोन अंती, हाँ, स्कॉर्पियो वाला को स्कॉर्पियो अंकल, इसमें भी आप गाना, ये भी कहाँ से आया है? एक्चुअली आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि गाना लिखना मेरा ऐसा ही सोच नहीं आता है, कुछ सोसाइटी में कुछ हैपेंस हो रहा है, कुछ वायरल हो रहा है तो उसी टॉपिक को लेके मैं करता हूँ। मतलब एक आया था आईफोन अंती का एक फनी वाला एक वायरल वीडियो हुआ था, तो मैंने सोच लिया कि इसमें भी एक कुछ गीत बन जाए तो, और मेरा ये तो हम यूट्यूब चैनल एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता है, पहले आईएल म्यूजिक प्रोडक्शन रखता था तो, लेकिन मेरा कुछ कुछ क्लिप रो आता था इसलिए मैंने नाम को चेंज करके रो एंटरटेनमेंट विद ईगल ऑल ने ऐसे रखा है, तो मेरा हर गाना भी रो ही आता है। तो आईफोन अंती भी उसी से निकला कि एक चर्चा चल रहा है, पेपर लीकेज के लिए भी आपने गाना बना दिया? पेपर लीकेज के लिए तो दो गाना मैंने बनाया अभी तक, तो एक एक हो गया पेपर चोर वन पेपर चोर टू उसके बाद हाँ तीन फ्रस्टेट एस्पिरेंट पोल के भी हमने बनाए। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहे और नया नया गाना हमारे लिए आप लाते रहे और इस तरह आप मेहनत करते रहे, और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ आप सही सलामत हमेशा रहे। और अंत में आज आप यहाँ कैंप में, इस कैंप के बारे में आप दो लाइन आप गा दीजिए आज का इस कैंप के लिए, एडवेंचर कैंप के लिए। एडवेंचर कैंप के लिए गाना बोलने से तो अभी हम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम लिरिक्स को बहुत ध्यान रखता है, जहाँ तहाँ बन जाए, लेकिन आपका तो बहुत ही मतलब चलने वाला चैनल है, हम इधर थोड़ा भी इधर उधर गा दिया वो गाना कल को वायरल रहेगा, तो इसीलिए मतलब हम सोच के थोड़ा सा सोच के ना गाना आपको करके दिखाएंगे। थैंक यू, ये था ईगल लोलन, और जैसे ईगल खुद कहा है उसका चैनल यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, रो एंटरटेनमेंट विद ईगल लोलन, वहाँ में आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप जैसे कहा अपडेट अरुणाचल में क्या हो रहा है उसको गाने के माध्यम से आप जो है सुनने को मिलेगा। आप बने रहिए अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।